लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार में नामांकन का आज आखिरी दिन है। इस मौके पर नवादा लोकसभा सीट से आरजेडी प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा ने अपना नामांकन दाखिल किया। श्रवण के नामांकन के बाद आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस बार मोदी और मुद्दे की लड़ाई में जनता पूरी तरह गठबंधन के साथ है। गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर श्रवण कुशवाहा जी को उतारा गया है राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल ललटेन पर। ये स्थानीय है, लोकल भी है और वोकल भी है, और टोटल जनता लोकल और वोकल के साथ है। और हम लोगों ने जो निर्णय आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, तेजस्वी जी ने जो लिया निर्णय, वो निर्णय पार्टी हित में है। हम लगातार चुनाव लड़ते भी रहे हैं, हमारे मजबूत साथी चुनाव लड़ते भी रहे हैं और एक मजबूत टक्कर भी देते रहे हैं। लेकिन आदरणीय तेजस्वी जी ने जो निर्णय A to Z को स्थापित करने के लिए अपनी प्रतिभाता को दोहराया पूरे बिहार में, औरत हो, मर्द हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबको प्रत्याशी के रूप में आप देखेंगे कि उतारा जा गया है। और पूरी नवादा इस बात से लगातार आहत रहा है कि हम वोट तो देते हैं बाहरी प्रत्याशी को, लेकिन एक छोटी सी समस्या के लिए मिलने के लिए उपलब्ध प्रतिनिधि यहाँ नहीं रहते हैं, क्योंकि बाहर से आते हैं पैराशूट से और बाहर ही चले जाते हैं। तो इस बार नवादा की जो आवाम है, उन्होंने निर्णय लिया कि इस बार पैराशूट वाले को बैरंग वापस कर दो, क्योंकि जब स्थानीय बेटा, स्थानीय लोग एक साथ आ चुके हैं तो इसको एक साथ लेकर करके आगे बढ़ना है। और सबने मन बनाया है, क्योंकि हम लोगों ने सब पर भरोसा किया है और नवादा की जनता इस बार भरोसा को तोड़ेगी नहीं। पार्टी का निर्णय, महागठबंधन का निर्णय, कोई लहर है जी मोदी जी का, ऊपर में सर्टेन घरानों का लहर दिख रहा है, नीचे जनता के मन में भाजपा के खिलाफ जहर है। और जो कहर ढहा जा रहा है देश के अंदर में, जो महंगाई का कहर है आवाम पर, बेरोजगारी का कहर है युवा पर, किसानों पर MSP है उसके जो मिल नहीं रहे हैं, ये सारे सवाल हैं। सीमा सुरक्षा नहीं है, जहर फैलाया जा रहा है, पटिशन खींचा जा रहा है समाज के अंदर में। भोजपुरी के प्रख्यात लोक गायक और कई एल्बम बना चुके गुंजन कुमार भी मैदान में उतर गए हैं। किसी मुख्य राजनीतिक पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय नामांकन करने के लिए समारणे पहुंचे। नवादा लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार गुंजन सिंह नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उन्होंने कहा कि नवादा के विकास के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उद्देश्य चुनाव लड़ रहे हैं आप? क्या उद्देश्य है आपका? विकास और नवादा का बेटा का जो मुद्दा था, सबका आदेश हुआ कि बेटा मैदान में जाओ, मैदान में आए हैं, सबका आशीर्वाद मिला। आप भोजपुरी किस पार्टी से सर करेंगे ये बताइए। सर आप भोजपुरी के सुपरस्टार माने, आपके साथ एक यूट्यूबर मनीष कश्यप भी है, आखिर उनको भी लेके आए, क्या संदेश देना चाहिए? ये मेरे भाई हैं, यूट्यूबर के अति से नहीं आए, दोनों का भाई का रिश्ता जी, और हम लोग आए हैं एक नए ऊर्जा के साथ। कैसा चुनौती रहेगा? दो दल है यहाँ, दल से हमसे कोई दिक्कत नहीं, हमको जनता हीरो है यहाँ का, जनता मेरा भगवान है और सब मुझे आशीर्वाद दे रहा है, आदेश दिया है सर कि बेटा जाओ। गुंजन सिंह वादा किए थे हम कि हम निभाएंगे, निभाने हम। किससे किससे चुनौती मिलेगा इस बार आपको? चुनौती के लिए आपका मुद्दा क्या? मुद्दा क्या आपका? मुद्दा विकास का मुद्दा है। हमारे यहाँ ना केंद्रीय विद्यालय है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना ही हॉस्पिटल अच्छा है, और सबसे बड़ा मुद्दा घर का बेटा, घर का बेटा। भाजपा से आपको कितना मिलेगा, चूंकि आप भाजपा के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, कितना चुनौती मिलेगा उनसे? बहुत कोशिश किए हैं जी सबका, आप देखिए क्या होता है, समय का इंतजार करिए। मौके पर उनके साथ यूट्यूबर मनीष कश्यप भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि वो मेरे सुख दुख में साथ थे, तो मैं भी उनके सुख दुख में साथ रहूंगा। देखिए मेरा टिकट नहीं कटा है, मैं वहाँ पे नहीं था। समस्या क्या है कि बिहार की सच्चाई आप सभी लोग जानते हैं, जितने मीडिया बंधु है वो सभी लोग जानते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि 2004 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2009 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2014 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना, 2019 में कितने गरीब का बेटा सांसद बना और 2024 में कितना गरीब का बेटा को टिकट मिला है। क्या गरीब का बेटा लोकसभा में बैठ के जो है गरीब का स्थिति के बारे में नहीं बात कर सकता है? क्या नेता खाली नेताओं के बेटा, बिजनेसमैन, बड़े बड़े दलाल, बड़े बड़े माफिया ही बनेंगे? क्या बिहार का गरीब का बेटा कोई नेता नहीं बनेगा? क्या बिहार का कोई पत्रकार नेता नहीं बनेगा? आप लोग पत्रकार है, ईमानदारी से बोलिए, आप लोगों से ज़्यादा जानकारी किसी के पास है क्या? कहाँ ब्लॉक में कितना भ्रष्टाचार होता है, दाखिल खारिज के लिए कितना भ्रष्टाचार होता है, अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, रोड जो है रजौली नवादा बख्तियारपुर रोड जो बन रहा है, मैं आज कह रहा हूँ कि वो रोड गिरेगा। सर नामांकन को लेके बताइए, आज आप लोग आए हैं वो तो कहना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए
जो अपने अपने क्षेत्र का विकास कर सके, और आप लोगों के सहारे जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों को सपोर्ट कीजिए। कहाँ कहाँ चुनाव प्रचार करने जाएंगे सर आप? जहाँ भी बिहार में कोई काबिल युवा या काबिल व्यक्ति जो है चुनाव लड़ेगा और वो अपना घोषणा पत्र स्टाम्प पेपर पे लिख के देगा, वहाँ वहाँ मनीष कश्यप पहुँचेगा और वहाँ वहाँ उन लोगों का समर्थन मैं मनीष कश्यप करूँगा। गुंजन सिंह के लिए क्या कहेंगे? गुंजन सिंह के लिए मैं यही कहूँगा कि ये एक शानदार व्यक्ति है, ये निभाना जानते। वहीं भाजपा के राजग प्रत्याशी विवेक ठाकुर ने भी नवादा सीट से नामांकन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित भारत के साथ विकसित नवादा की नींव आज रखी गई है। उन्होंने कहा कि उनकी एकमात्र प्राथमिकता आकांक्षी जिला की श्रेणी से निकलकर नवादा को विकसित नवादा बनाने के लिए आज से नवादा को प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प से जोड़ दिया है। नए नवादा और विकसित नवादा का इस नामांकन के माध्यम से नींव बोया गया है, और जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है कि आज़ादी के 100 साल के बाद 2047 में विकसित भारत की जो संज्ञा है भारत को मिलनी चाहिए, और उसी क्रम में विकसित नवादा का जो आज नींव बोया है वो एक नए नवादा का नया उदय होने जा रहा है, इसी का आज नामांकन था। सर बाहरी और अंदर का बहुत मुद्दा रहा है, क्या कहेंगे सर उस पर? बिहार लोकतंत्र की जननी, और नवादा को सिर्फ विकास चाहिए। ये जग जाहिर है कि जो एस्पिरेशनल जिला है देश का, उसमें से एक नवादा रहा जी, और नवादा इस चीज़ को मन दाब के रहा है कि क्यों इतना महत्वपूर्ण जिला होने के बावजूद भी ये देश के एस्पिरेशनल जिलाओं में से आता है, और इस दाग को, इस धब्बे को मिटाने के लिए प्रधानमंत्री का दूत बनके मैं नवादा में। तो आपका क्या प्राथमिकता होगा सर? मेरा प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ नवादा का विकास है और मुख्यधारा में लाने के लिए, और इस संज्ञा और परिभाषा से कि एस्पिरेशनल जिला नवादा से एक विकसित नवादा की ओर ले। सर कुछ बता दें कि नवादा बिहार प्रदेश का दक्षिणतम संसदीय क्षेत्र है, झारखंड राज्य से इसकी सीमा लगती है। बिहार का कश्मीर के नाम से प्रचलित ककोलत जलप्रपात इसी क्षेत्र में है। नवादा संसदीय क्षेत्र में कोआकोल का रानीगदर मानव सभ्यता का उदय स्थल रहा है। नवादा से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।